नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ वर्णई गागुर, कैमरामैन प्रेम के साथ। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में। इंडिया में हर दूसरे घर में वुमेंस के साथ वायलेंस होता है। वो वायलेंस फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब होता है, बट वुमेंस उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन इन इंडिया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है। और बहुत बहुत कम वुमेन है इस इंडिया में और शायद इस वर्ल्ड में कि वो आवाज़ उठाती है ये वायलेंस के खिलाफ, या फिर डिवोर्स तक का भी फैसला ले लेती है। सो ऐसे बहुत सारे लॉज है जो वुमेंस के लिए बनाए गए हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है वुमेंस से कि वो अपने राइट्स के लिए लड़े, हक के लिए लड़े। और कोई बात नहीं, अगर हमें गॉयज से डरने की, और उन बहुत सारे वुमेन से जो मैरिज इसलिए बचाती है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप कुछ एनजीओ में जा सकती है, कुछ हेल्प ले सकती है, गवर्नमेंट है जो आपकी मदद कर सकती है, तो आप प्लीज़ उसका सहारा ले और ये वायलेंस ना सहे, क्योंकि ये आपके गच्छों पर भी असर कर सकता है। सो और मेरी मैन से भी रिक्वेस्ट है कि ये सब ना करे, क्योंकि इंडिया में ये बहुत इंडिया इज़ द फर्स्ट इंडिया में इंडिया में बहुत सारे वुमेंस हैं जिनके साथ वायलेंस होता आ रहा है, और ये अभी अभी नहीं, ये सदियों से चलता आ रहा है, सेंचुरीज से चलता आ रहा है। सो आप ये सब सहन ना करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है सब वुमेंस से। थैंक यू।